सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। स्विमिंग करना मजेदार होने के साथ ही आपके शरीर के लिए भी एक परफेक्ट एक्सरसाइज होता है। स्विमिंग का प्रयोग एथलीटों द्वारा शरीर को मजबूती प्रदान करने, फिट रहने और चोट से उबरने के लिए किया जाता है। स्विमिंग करने के लिए आपको अन्य किसी एक्सरसाइज की तरह किसी खास फैंसी उपकरण की भी आवश्यकता नहीं होती है। स्विमिंग से जोड़ों पर बिना किसी नुकसानदायक असर के एरोबिक एक्सरसाइज के सभी फायदे प्राप्त किए जा सकते हैं। स्विमिंग किसी भी उम्र के, चाहे वे बूढ़े हो, युवा या बच्चे हो, सबके द्वारा की जा सकती है। स्विमिंग करने से हमारे शरीर को कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। वजन घटाने में उत्तम उपाय है। क्या आप आसानी से वजन कम करना चाहते हैं? तो अब इसके लिए व्यायाम करने या ट्रेडमिल पर चलने से आंखों में आने वाले पसीने की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हर रोज सिर्फ लगभग 30 मिनट की स्विमिंग से अपने शरीर में लगभग 440 कैलोरी ऊर्जा की कमी कर सकते हैं। शरीर के लचीलेपन में वृद्धि करें। स्विमिंग की क्रिया में स्ट्रोक के दौरान दोहराए जाने वाले स्ट्रेचिंग हमारे शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि स्विमिंग के समय पानी में तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके शरीर को ट्विस्ट, खिंचाव, स्ट्रोक और पुल की जरूरत होती है। इस क्रिया में आपने टखने यानी कि एंकल्स पंखों का कार्य करते हैं और हर किक के साथ आप अपने शरीर के द्वारा पानी के तरल दबाव के विरुद्ध धक्का देते हैं, जिससे आपके शरीर के लचीलेपन में वृद्धि होती है। हार्ट डिजीज में फायदेमंद है। स्विमिंग में की जाने वाली एरोबिक्स कार्यविधि दिल में एथेरोस्क्लेरोसिस के निर्माण की प्रमुख वजह सूजन को कम करने में बहुत प्रभावकारी होता है। आधे घंटे की स्विमिंग से हार्ट डिजीज के जोखिम की आशंका में 30 से 40 वर्ष तक की कमी हो जाती है। मसल्स बनाने में लाभदायी है। आपके शारीरिक व्यायाम के लिए स्विमिंग एक सर्वश्रेष्ठ एरोबिक एक्सरसाइज होता है, क्योंकि स्विमिंग के लिए जब आपके पूरे शरीर की शक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए इसे एक बहुत अच्छा वर्कआउट माना जाता है। स्विमर स्विमिंग के दौरान पूरे शरीर की मांसपेशियों की ताकत का प्रयोग करते हैं। स्विमिंग की क्रिया में आपकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है और वे मजबूत बनती है। स्विमिंग की क्रिया में शरीर के सभी जोड़ों को भी मजबूती प्राप्त होती है, क्योंकि जमीन पर व्यायाम करने की तुलना में स्विमिंग के दौरान 12 गुना ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। अस्थमा के लक्षणों में कमी करने में गुणकारी है। स्विमिंग की क्रिया फेफड़ों की संपूर्ण स्थिति में सुधार लाने में सहायक होती है, इसलिए यह अस्थमा के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक होती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए सांस लेने में कठिनाई होना और कसरत करने की कोशिश में नाकाम होना एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति हताश हो जाता है, इसलिए स्विमिंग का अभ्यास आपकी इन समस्याओं को दूर करने का एक उत्तम उपाय होता है। त्वचा की नमी बनाए रखने में लाभप्रद है। नियमित रूप से स्विमिंग का अभ्यास त्वचा की नमी को बनाए रखने में सहायक होता है। विशेष करके नमक वाले समुद्री पानी में स्विमिंग से त्वचा की नमी के लिए ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए यदि आप पूल स्विमिंग के बजाय समुद्र के पानी में वर्कआउट करते हैं तो आपके त्वचा में कई प्रकार के सुधार देख सकते हैं। हड्डियों को मजबूत करने में उपयोगी है। हड्डियों की कमजोरी को दूर करके उन्हें मजबूती प्रदान करने में भी स्विमिंग बहुत उपयोगी होता है। कई सालों से स्विमिंग की क्रिया का हड्डियों के द्रव्यमान पर गहरा असर होता है, जबकि पहले इस लक्ष्य को हासिल करने में केवल वेटलिफ्टिंग के अभ्यास को ही समर्थ पाया गया था। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।